ये एक ही नहीं तो दो दो वैसी प्रेसिडेंट और उनको कम से कम 4 से 6 स्टेट इसकी जिम्मेदारी चाहिए। सभी लोगों के साथ बातचीत करके ये सिलेक्शन किया गया है। इस पवार या उन साथियों के बारे में आप न्यूज चला रहे इसमें 1% भी सच्चाई नहीं, ये उनकी तैयारी थी। और इसलिए कोई नाखुश है कोई खुश है ये बात बिल्कुल गलत है। और क्या प्रक्रिया थी उसके लिए? दो बातें हैं कि इस देश की साइज देखने के बाद 3-4 पास जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वहाँ किसी एक साथी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा तो मेहनत करेगा तो वहाँ पार्टी का भीड़ बढ़ सकता है। पूरी देश की सभी राज्यों की जिम्मेदारी सपोज किसी एक साथी के ऊपर दे दिए तो हमारे हाथ में चुनाव के लिए 1 साल है, 1 साल से भी कम है, हम सब जगह पहुंच नहीं सकते। और इसीलिए काम डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों के साथियों के ऊपर जिम्मेदारी देने की आवश्यकता थी। और इसीलिए फिर से 2 महीने से हम लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि वर्किंग प्रेसिडेंट ये पोस्ट और देश की साइज देखने के बाद ये एक ही नहीं तो दो वर्किंग प्रेसिडेंट और उनको कम से कम 4 से 6 स्टेट इसकी जिम्मेदारी देकर कुछ स्थिति में सुधार आएगा और इसीलिए इसका सिलेक्शन वहाँ किया गया। और दूसरा जिनका सिलेक्शन किया गया इनके बारे में लोगों की मांग थी कि आप इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दो और इसीलिए सभी लोगों के साथ बातचीत करके ये सिलेक्शन किया गया है। बात ऐसी है कि एक दीवान थी, मैं खुद चाहता था कि इन सभी साथियों के ऊपर जिम्मेदारी दे दो और उनको मदद करने के बाद मैं करूँगा, मगर इसका स्वीकार पार्टी ने किया नहीं और इसलिए मुझे कंटिन्यू रहना पड़ा। मगर ये काम अच्छी तरह से करने के लिए और ज़्यादा समय देने की आवश्यकता जब है तब मुझे और कुछ साथी कुछ राज्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए साथ आएंगे तो मुझे विश्वास है कि इसमें संगठन का काम मजबूत होने के लिए मदद हो जाएगी। मेरा ध्यान कैंपेन के लिए एग्रेसिव कैंपेन के लिए और अलग अलग राजनीतिक जो नाम बीजेपी फोर्सेस है इन सभी को साथ लाने के लिए मेहनत कर रहा ये रहेगा और मेरा काम इससे ज्यादा रहेगा। दो सवाल है पवार सर, दो सवाल है। पहला ये कि क्या एनसीपी के अध्यक्ष आने वाले महीनों या आने वाले साल में प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया सुले में से ही कोई एक होगा? और दूसरा सवाल है पटना में जो बैठक में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं क्या चाहे कि एनसीपी या विपक्ष के दलों से आप क्या चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी एक चेहरे को उतारा जाए या सामूहिक तौर पर विपक्ष चुनाव में उतरे और पीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय करे? नहीं, पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेट ये इश्यू हमारे सामने बिल्कुल नहीं। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है। इसका एक ही एग्जाम मैं आपको दूंगा। 1976-77 में किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तब मिलकर चुनाव के बाद जनता पार्टी हो गई
जनता भारतीय होने के बाद जो चुनते रहे इन लोगों ने मोरारजी देसाई का सिलेक्शन किया था और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी थी। ये 1977 में तय हो सकता है तो अभी भी से तय हो सकता है। और जो नॉन डिविजनल पार्टी के नेता है उनका ओवरऑल थिंकिंग जो है फाइनल क्या होगा कि आज मुझे करना ठीक नहीं, पटना में हम डिस्कस करेंगे, मगर सोच पक्की ये है कि लोगों के सामने एक विकल्प दे, वो विकल्प हम मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो हो सकता है। और इसमें जो रिजल्ट आएगा इससे आगे की बात हो सकती है। दोनों में से ही कोई अध्यक्ष होगा प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया? नहीं, ये अभी जगह खाली नहीं होता, जब जगह खाली हो जाएगी तब सोचेंगे ना। जो अजीत पवार या उस साथियों के बारे में अब न्यूज चला रहे इसमें 1% भी सच्चाई नहीं, ये बात है कि वहाँ के बाबले के अखबार में बात चली है कि दो लोग खुश नहीं, एक जयंत पाटिल, जयंत पाटिल आज महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है और इसके लिए जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आज उनके ऊपर वहाँ की जिम्मेदारी है। प्रफुल्ल पटेल या सुप्रिया पर इनका जो सिलेक्शन किया गया इनके पास ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, तो समय देने के लिए उनकी तैयारी थी और इसलिए कोई नाखुश है कोई खुश है ये बात बिल्कुल गलत है। जो यहाँ सिलेक्शन हुआ इनका नाम सब सीनियर लोगों ने पिछले एक महीने से हमारे सामने लिया, उसका निर्णय आज हो गया।